गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लासिक्स सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है कि नेम द लाइंस इन द फ्लोइंग, लाइन का नेम लिखकर दिखाना है। फिगर आपको दिया हुआ है, दो फिगर दिए हैं, लाइन का डिफिनेशन लिखवाए थे आप लोग को, लाइन का डिफिनेशन, पॉइंट का डिफिनेशन, लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, रे क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, सारा डिफिनेशन लिखवाए थे। लाइन का डिफिनेशन जिसका दोनों इंड पॉइंट फिक्स नहीं होता है, यदि रे पूछेंगे तो रे में एक पॉइंट फिक्स होता है, एक पॉइंट फिक्स नहीं होता है। लाइन सेगमेंट में जिसका दोनों इंड पॉइंट फिक्स होता है, जिसको लेंथ को हम मेजरमेंट कर पाएंगे। लाइन का होता है जिसका दोनों इंड पॉइंट फिक्स नहीं होता, उसका लेंथ को हम लोग मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इस फिगर में से हम लोग लाइन नेम द लाइन लिख दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए में दिया हुआ है, तीन पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी सी दिए हुए हैं, इसमें से लाइन लिखना है। तो लाइन इसका होगा ओ से ए, एक हो गया आप कहाँ से, फिर एक होगा ओ से बी होगा, और एक होगा ए से बी होगा। एक लाइन हो गया ओ से ए होगा, तो ओ ए हो गया एक लाइन, दूसरा लाइन हो गया ओ बी लाइन हो गया, तीसरा लाइन होगा ए से बी होगा, तो ए बी एक हो गया। तो फिगर 1 का ए में तीन लाइन हो गया ओ ए, ओ बी और ए बी। बी नंबर देखते हैं हम लोग, बी नंबर में लाइन होगा ए बी, ए से बी होगा, फिर ए से सी होगा, फिर होगा आपका ए डी, ए से डी होगा, फिर होगा आपका डी बी डी, फिर एक होगा आपका सी डी, और लास्ट होगा आपका सी बी। तो फिगर बी में इसमें आपका 6 लाइन होगा, ए बी ए सी ए डी बी डी सी डी सी बी। क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर बी में 6 लाइन होगा, ए से बी होगा, ए से सी होगा, ए से डी होगा, बी से डी होगा, सी से डी होगा और सी से बी होगा। तो फिगर बी में क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर बी में 6 लाइन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर ए में 3 लाइन होगा, इसमें होगा ए ओ ए ओ बी और ए बी। फिगर 1 में लाइन 3 होगा ओ ए ओ बी और ए बी, और बी में होगा इसमें 6 लाइन होगा ए बी ए सी ए डी बी डी सी डी और सी बी। डिस्कस करते क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग, क्वेश्चन 2 क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर नेम, इसमें भी नेम लिखकर दिखाना है। फिगर दिए हुए आप लोग को, इसमें लाइन है आपका एल एम एन और आर,
इसमें फोर लाइन दिए थे, एल एक लाइन दिया है, एक एम दिए थे, एन दिए थे और आर दिए हैं। इसमें पॉइंट दिए हैं ए बी सी डी ई और एफ। क्वेश्चन नंबर वन दिया है कि फोर लाइन सेगमेंट्स, इसमें फोर लाइन सेगमेंट निकाल के दिखाना है। तो लाइन सेगमेंट का डिफिनेशन होता है जिसका दोनों इंड पॉइंट फिक्स होता है, उस लेंथ को हम लोग मेजरमेंट कर पाएंगे। आप लोग बताए हुए थे लाइन का डिफिनेशन, लाइन सेगमेंट का डिफिनेशन, रेक का डिफिनेशन, पॉइंट का डिफिनेशन, प्लेन का डिफिनेशन। प्लेन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर टू में दिया है कि फोर लाइन सेगमेंट लिखकर दिखाना है। फिगर आपको दिए हुए हैं, इस फिगर में से फोर लाइन सेगमेंट लिखकर दिखाना है। तो लाइन सेगमेंट होता है जिसका लेंथ को हम मेजरमेंट कर पाएंगे या जिसका दोनों इंड पॉइंट फिक्स होता है। वैसा लाइन जिसका दोनों इंड पॉइंट फिक्स होगा उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसका आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर टू का वन नंबर में फोर लाइन सेगमेंट लिखकर दिखाना है। तो फर्स्ट होगा आपका ई से लेकर बी होगा, तो फर्स्ट हो गया ई बी, सेकेंड होगा बी डी, थर्ड होगा डी सी एंड फोर्थ होगा सी एफ। फर्स्ट होगा आपका ई बी, सेकेंड होगा बी डी, थर्ड होगा डी सी एंड फोर्थ होगा सी एफ। क्वेश्चन नंबर बी नंबर देखते हैं, टू रे लिखा बी में दिया हुआ है कि टू रे लिखना है। इसका होगा ए से लेकर बी होगा, तो ए बी और एक होगा ए सी। क्वेश्चन नंबर सी दिए हैं कि टू इंटरसेक्टिंग लाइन लिखकर दिखाना है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है टू और मोर लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इच पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। दो या दो से अधिक लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। इसमें होगा एक एल और एम एंड एम एंड एन। डी नंबर में दिए हैं कॉलिनियर पॉइंट लिखकर दिखाना है। तो कॉलिनियर पॉइंट होता क्या है, कॉलिनियर पॉइंट का डिफिनेशन होगा कि थ्री और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ दे लाइन ऑन द सेम लाइन ऑन द प्लेन। इसका डिफिनेशन हुआ कि एक ऐसा लाइन होना चाहिए जिसमें दो थ्री या थ्री से ज्यादा पॉइंट रिप्रेजेंट होना चाहिए। एक आर लाइन दिया हुआ था, उसमें कितना पॉइंट रिप्रेजेंट है, ई पॉइंट रिप्रेजेंट है, बी पॉइंट रिप्रेजेंट किए हैं, डी को किए हैं, सी को किए हैं और एक एफ को किए हैं। इसका कॉलिनियर पॉइंट होगा ई बी डी सी और एफ होगा। इसका डिफिनेशन हुआ कि थ्री और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ दे लाइन ऑन द सेम लाइन ऑन द प्लेन।